बरेली बारादरी क्षेत्र के सैलानी मार्केट में देर रात दो पक्षों में रुपयों के लेन देन में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने साथियों के साथ मिलकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बारादरी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के बजरिया निवासी मोहम्मद बिलाल व फरहान खान का गुलाम नबी और सैद हुसैद से रुपयों के लेन देन में रात करीब 12 बजे मेहंदी वाली गली में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आसपास मौजूद मार्केट के लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर किसी तरह शांत कराया। उसके बाद मोहम्मद बिलाल अपने दोस्त फरहान खान की दुकान पर आए और आधे घंटे के बाद गुलाम नबी और सैद हुसैन बजरिया निवासी अपने दोस्त समीर सैफी, अदीब वारसी और साहिब सैफी के साथ उसकी दुकान पर आ धमके। दुकान में पहुंचते ही दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई। विवाद बढ़ते ही गुलाम नबी और सैद हुसैन ने 312 बोर की तमंचे से फायर झोंक दिया। 5 राउंड की फायरिंग में बिलाल के बाएं हाथ में छर्रे लगे हैं। गनीमत रही कि गोलीबारी के दौरान अन्य को नहीं लगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।